मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और भिंड जिले के लहार विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा गुंडागर्दी और मतदाताओं को धमकाकर चुनाव जीतना चाहती है। इसके अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह ने लहार विधानसभा में ईवीएम मशीन की हेराफेरी भी आशंका जताई है। शिवराज सिंह जी, सत्रह नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देकर पूरी तरह से उनको संरक्षण देकर आतंक फैलाकर और गुंडागिरी कराकर मतदाताओं को धमकाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। लहार विधानसभा क्षेत्र में अपराधी तत्व का उम्मीदवार श्री अमरीश शर्मा को टिकट देकर पूरे चुनाव को लहार क्षेत्र में आतंक फैलाने के लिए संरक्षण देकर छोड़ दिया है। अमरीश शर्मा का इतिहास पूरा विधानसभा के पटल पर मैंने अनेकों बार रखा है और आज भी करीब उनके अभी तक के जीवन में 18-20 केस दर्ज है। तक कार्रवाई न करके पूरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह संरक्षण दे रहे हैं और चाहते हैं कि लहार का चुनाव गुंडागर्दी ताकत के बल पर मुझे हराने की साजिश रच रहे हैं। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि शिवराज सिंह और बीडी शर्मा जी दोनों लहार विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में ईवीएम मशीन में हेरा फेरी करवा कर चुनाव हराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके बारे में भी मैं आप सबको बता देना चाहता हूं और जो अभी तक तो मैंने शिकायत नहीं की लेकिन अब जो पूरी जानकारी चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर को दूंगा। मोंटी मैं नहीं जानता हूँ कौन है लेकिन ओडीओ के बारे में मैंने पूरी जानकारी मिली है और मैंने लहार थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की साजिश षड्यंत्र है। मैंने कह दिया इसकी ऑडियो की जाँच कराएँ और जिसने जिस तरह का चला रहे मेरे बारे में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। भिंड से धर्मेंद्र सिंह कौरव की रिपोर्ट।